नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा के युवाओं के लिए कर दी है बड़ी घोषणा। हरियाणा में ग्रुप सी की भर्ती निकली, 31 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। बोनस अंकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने ग्रुप सी के 3134 पदों को पुनर्विज्ञापित करते हुए फिर से भर्ती निकाली है। इनमें ग्रुप 6 के 1296 पद, ग्रुप 58 के 1075 पद, 59 ग्रुप के 517 और 60 के 246 पद शामिल हैं। पिछले साल इन पदों के लिए 7 मार्च को भर्ती निकाली गई थी। आवेदन करने वाले सभी युवाओं को भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET पास युवा 21 से 31 जुलाई की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक आर्थिक अंकों के बिना मेरिट के आधार पर ये भर्तियां होंगी। आवेदकों को किसी भी पद के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। हाईकोर्ट के आदेश पर ग्रुप सी पदों के लिए आयोजित CET का संशोधित परिणाम जारी करने के बाद HSSC पहले ही ग्रुप सी के 15,755 पदों और पुलिस कांस्टेबल के 6,000 पदों को पुनर्विज्ञापित करते हुए आवेदन मांग चुका है। इनमें ग्रुप 1 के 981 पद, ग्रुप 2 के 517 पद, ग्रुप 56 के 7185 पद, जबकि ग्रुप 57 के 7072 पद तथा पुलिस कांस्टेबल के 5,000 यानी पुरुष और महिला कांस्टेबल के 1,000 पद शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ग्रुप सी और डी के करीब 53,000 पदों के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम को रद्द करने व सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 बोनस नंबर का लाभ दिए जाने बिना CET के आधार पर नए सिरे से मेरिट सूची तैयार करने के आदेश पर पुनर्विचार का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो ये है बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़।